स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में बॉलीवुड के टॉप 5 एक्टर्स जिन्होंने बॉलीवुड को सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, इसके बारे में जानेंगे। वीडियो चले, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो व्यूवर्स, हमारी लिस्ट के टॉप 5 पर एक्टर हैं राजेश खन्ना साहब। इन्होंने टोटल 170 मूवीज में काम किया और इनकी 5 मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इनकी सबसे पहली ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1969 में आराधना। इसको शक्ति सामंता जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में स्टार कास्ट में थे राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, फरीदा जलाल, सुजीत कुमार, मदनपुरी और आशीष सेन। इस मूवी का व्यूअर बजट था 80 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 6,90,00,000 की बॉक्स ऑफिस में। मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। राजेश खन्ना साहब की दूसरी ब्लॉकबस्टर 1969 में आई थी दो रास्ते। इसको राज खोसला साहब ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में स्टार कास्ट में राजेश खन्ना, मुमताज, बिंदु, बलराज सहनी और प्रेम चोपड़ा देखने को मिले। व्यूअर्स, इस मूवी का बजट था 90 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 3,25,00,000 की बॉक्स ऑफिस में। मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। राजेश खन्ना साहब की तीसरी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1970 में सच्चा झूठा। इसको मनमोहन देसाई साहब ने डायरेक्ट किया था। इसमें स्टार कास्ट में राजेश खन्ना, मुमताज, नाज, विनोद खन्ना और कमल कपूर देखने को मिले। इस मूवी का व्यूअर बजट था 80 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 5,50,00,000 की बॉक्स ऑफिस। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। राजेश खन्ना साहब की चौथी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1970 में आन मिलो सजना। इसको मुकुल दत्त साहब ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में स्टार कास्ट में राजेश खन्ना, आशा पारेख, निरूपा राय, विनोद खन्ना, राजेंद्र नाथ देखने को मिले। इस मूवी का व्यूअर बजट था 95 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 2,50,00,000 की बॉक्स ऑफिस। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। राजेश खन्ना साहब की पांचवी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1971 में हाथी मेरे साथी। इसको M.A. थिरुंगम ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी स्टार कास्ट में राजेश खन्ना, तनुजा समर्थ, जूनियर महमूद, मदनपुरी और K.N. सिंह थे। इस मूवी का व्यूअर बजट था 1 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की 6,80,00,000 की बॉक्स ऑफिस। ये मूवी सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अब हमारी लिस्ट के अगले एक्टर हैं टॉप 4 पर हैं ऋषि कपूर। इन्होंने टोटल 151 मूवीज में काम किया। इनकी 6 मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इनकी सबसे पहली ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1973 में बॉबी। इसको राज कपूर साहब ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में स्टार कास्ट में ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया, दुर्गा खोटे, अरुणा ईरानी, फरीदा जलाल, प्राण और प्रेम नाथ देखने को मिले। इस मूवी का व्यूअर बजट था 1,20,00,000। इस मूवी ने कमाई की 10,90,00,000 की बॉक्स ऑफिस। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ऋषि कपूर जी की दूसरी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1976 में लैला मजनू। इसको H.S. रावल ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी स्टार कास्ट में ऋषि कपूर, रंजीता कौर, इफ्तिखार और डैनी डंजम्पा देखने को मिले। इस मूवी का व्यूअर बजट था 90 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 4,25,00,000 की बॉक्स ऑफिस। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ऋषि कपूर जी की तीसरी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1977 में अमर अकबर एंथोनी। इसको मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शबाना आजमी, परिंद बॉबी, प्राण और जीवन दर देखने को मिले। इस मूवी का व्यूअर बजट था 1 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की 7,20,00,000 की बॉक्स ऑफिस। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ऋषि कपूर जी की चौथी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1977 में हम किसी से कम नहीं। इसको नासिर हुसैन जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें स्टार कास्ट में ऋषि कपूर, काजल, किरण, तारिक खान, अमजद खान, अजीत और ओम शुप्री देखने को मिले। इस मूवी का व्यूअर बजट था 90 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 4,25,00,000 की बॉक्स ऑफिस। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ऋषि कपूर जी की पांचवी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1981 में नसीब। इसको मनमोहन देसाई साहब ने डायरेक्ट किया था। इसमें स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, रीना राय, किम प्राण, अमजद खान, कादर खान, शक्ति कपूर थे। इस मूवी का व्यूअर बजट था 4 करोड़। इस मूवी ने कमाई की 14,50,00,000 की बॉक्स ऑफिस। में मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ऋषि कपूर जी की छठी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1983 में कुली। इसको मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान, रति अग्नू, शोभा आनंद, ऋषि कपूर, कादर खान, सुरेश ओबराय थे। इस मूवी का व्यूअर बजट था 3,50,00,000। इस मूवी ने कमाई की 21 करोड़ की बॉक्स ऑफिस। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। व्यूअर्स, हमारी लिस्ट के तीसरे एक फेमस एक्टर हैं विनोद खन्ना साहब। विनोद खन्ना साहब ने टोटल 156 मूवीज में काम किया और इनकी 7 मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। व्यूअर्स, इनकी सबसे पहली ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1970 में सच्चा झूठा। इसको मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें स्टार कास्ट में राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, मुमताज, नाज और जगदीश राज, कमल कपूर देखने को मिले। इस मूवी का व्यूअर बजट था 80 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 5,50,00,000 की बॉक्स ऑफिस। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। विनोद
खन्ना जी की दूसरी ब्लॉकबस्टर मूवी इसी साल में आई थी आन मिलो सजना। इसको मुकुल दत्त साहब ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में स्टार कास्ट में विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, आशा पारेख, निरूपा राय, राजेंद्र नाथ देखने को मिले। इस मूवी का व्यूअर बजट था 90 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 2,50,00,000 की बॉक्स ऑफिस पर। यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। विनोद खन्ना जी की तीसरी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1977 में अमर अकबर एंथोनी। इसको मनमोहन देसाई साहब ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शबाना आजमी, परवीन बाबी, प्राण और जीवन धर देखने को मिले। इस मूवी का व्यूअर बजट था 1 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की 7,20,00,000 की बॉक्स ऑफिस पर। यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। विनोद खन्ना साहब की चौथी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1978 में हमारा मुकद्दर का सिकंदर। इसको प्रकाश मेहरा साहब ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, रेखा, राखी गुलजार, विनोद खन्ना, अमजद खान, कादर खान, रंजीत और श्रीराम लागू थे। इस मूवी का बजट था 1,30,00,000। इस मूवी ने कमाई की 16,80,00,000 की बॉक्स ऑफिस। यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इनकी पांचवीं ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1980 में कुर्बानी। इसको फिरोज खान सी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में स्टार कास्ट में फिरोज खान, जीनत अमान, अरुणा ईरानी, विनोद खन्ना, अमजद खान, शक्ति कपूर देखने को मिले। इस मूवी का व्यूअर बजट था 1,56,00,000 रुपए। इस मूवी ने कमाई की 6 करोड़ की बॉक्स ऑफिस। यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। विनोद खन्ना साहब की छठी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 2010 में दबंग। इसको अनुभव सिंह कश्यप ने डायरेक्ट किया था। इसमें स्टार कास्ट में सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान, विनोद खन्ना, डिंपल कपाड़िया, ओम पुरी और सोनू सूद थे। इस मूवी का व्यूअर बजट था 41 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की 221,14,00,000 की बॉक्स ऑफिस। यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इनकी सातवीं ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 2012 में दबंग 2। इसको अरबाज खान ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में स्टार कास्ट में सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान, विनोद खन्ना और प्रकाश राज देखने को मिले। इस मूवी का व्यूअर बजट था 50 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की 253,54,00,000 की बॉक्स ऑफिस पर। ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हमारी लिस्ट के चौथे एक्टर हैं फेमस एक्टर हीमैन धर्मेंद्र साहब। इन्होंने टोटल 178 मूवीज में काम किया। इनकी 8 मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इनकी सबसे पहली ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1964 में आई मिलन की बेला। इसको मोहन कुमार जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में स्टार कास्ट में राजेंद्र कुमार, सारा बानो, शशिकला, धर्मेंद्र, नाजिर हुसैन और मदन पुरी देखने को मिले। इस मूवी का व्यूअर बजट था 70 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 2,25,00,000 की बॉक्स ऑफिस। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। धर्मेंद्र जी की दूसरी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1966 में पत्थर के फूल। इसको ओपी रलहन साहब ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी स्टार कास्ट में धर्मेंद्र, मीना कुमारी, शशिकला, ओपी रलहन देखने को मिले। इस मूवी का व्यूअर बजट था 70 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 5,40,00,000 की बॉक्स ऑफिस। यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। धर्मेंद्र जी की तीसरी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1968 में आंखें। इसको रामन सागर साहब ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी स्टार कास्ट में धर्मेंद्र, माला सिन्हा, महमूद, कुमकुम, सुजीत कुमार, जीवन धर, मदन पुरी देखने को मिले। इस मूवी का व्यूअर बजट था 80 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 3,20,00,000 की बॉक्स ऑफिस। यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। धर्मेंद्र जी की चौथी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1973 में यादों की बारात। इसको नासिर हुसैन जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें स्टार कास्ट में धर्मेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह, विजय अरोरा और जीवन धर देखने को मिले। इस मूवी का व्यूअर बजट था 1 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की 5 करोड़ की बॉक्स ऑफिस। यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। धर्मेंद्र जी की पांचवी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1975 में शोले। इसको रमेश सिप्पी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें स्टार कास्ट में संजीव कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, जया बच्चन, सत्यन कपूर और अमजद खान देखने को मिले। इस मूवी का व्यूअर बजट था 3 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की 15 करोड़ की बॉक्स ऑफिस पर। यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। धर्मेंद्र जी की छठी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1975 में शोले। इसको दुलाल गुहा जी ने डायरेक्ट किया। प्रतिज्ञा, इसको दुलाल गुहा ने डायरेक्ट किया था। इसमें स्टार कास्ट में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और अजीत खान देखने को मिले। इस मूवी का व्यूअर बजट था 80 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 3,50,00,000 की बॉक्स ऑफिस। यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। धर्मेंद्र जी की सातवीं ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1977 में धर्मवीर। इसको मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें स्टार कास्ट में धर्मेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह, जितेंद्र, प्राण, जीवन धर और रंजीत देखने को मिले। इस मूवी का व्यूअर बजट था 1,80,00,000 रुपए। इस मूवी ने कमाई की 7 करोड़ की बॉक्स ऑफिस। यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। धर्मेंद्र जी की आठवीं ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1987 में हुकूमत। इसको अनिल शर्मा जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी स्टार कास्ट में धर्मेंद्र, रति अग्नोत्री, शम्मी कपूर, परीक्षा सानी, सदाशिव अमरापुरकर देखने को मिले। इस मूवी का व्यूअर बजट था 2,25,00,000। इस मूवी ने कमाई की 11 करोड़ की बॉक्स ऑफिस। की मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। व्यूअर्स, हमारी टॉप 1 पर
फेमस एक्टर महानायक अमिताभ बच्चन साहब हैं। इन्होंने टोटल 233 मूवीज़ में काम किया और इनकी टोटल 15 मूवीज़ ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इनकी सबसे पहली ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1973 में जंजीर। इसको प्रकाश मेहरा साहब ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में स्टार कास्ट में देखने को मिले अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, बिंदु, प्राण, ओम प्रकाश, इफ्तिखार और अजीत खान। इस मूवी का व्यूअर बजट था 90 लाख रुपये। इस मूवी ने कमाई की 6 करोड़ की और बॉक्स ऑफिस ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अमिताभ बच्चन की दूसरी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1974 में रोटी, कपड़ा और मकान। इसको मनोज कुमार जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में स्टार कास्ट में मनोज कुमार, जीना तमान, मौसमी चटर्जी, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और प्रेमनाथ देखने को मिले। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ 30 लाख रुपये। इस मूवी ने कमाई की 5 करोड़ 50 लाख की। बॉक्स ऑफिस ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अमिताभ बच्चन की तीसरी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1975 में दीवार। इसको यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में लीड का स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, निरूपा राय, नीतू सिंह, परवीन भाभी, इफ्तिखार और मदनपुरी थे। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ 30 लाख। इस मूवी ने कमाई की 7 करोड़ 50 लाख की। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अमिताभ बच्चन की चौथी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी इसी साल में शोले। इसको रमेश सिप्पी साहब ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में स्टार कास्ट में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, जया बच्चन, संजीव कुमार, अमजद खान और सत्यन कप्पू थे। इस मूवी का बजट था 3 करोड़। इस मूवी ने कमाई की 15 करोड़ की। बॉक्स ऑफिस ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अमिताभ बच्चन की पांचवी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1977 में अमर अकबर एंथोनी। इसको मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, नीतू सिंह, शबाना आजमी, परवीन भाभी, ऋषि कपूर, प्राण और जीवन धर थे। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ रुपये। इस मूवी ने कमाई की 7 करोड़ 20 लाख की। बॉक्स ऑफिस ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अमिताभ बच्चन की छठी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1978 में मुकद्दर का सिकंदर। इसको प्रकाश मेहरा साहब ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन, रेखा, राखी गुलजार, विनोद खन्ना, अमजद खान, कादर खान, श्रीराम लागू और रंजीत थे। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ 30 लाख। इस मूवी ने कमाई की 8 करोड़ 40 लाख की। बॉक्स ऑफिस में मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इनकी सातवीं ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1978 में त्रिशूल। इसको यश चोपड़ा साहब ने डायरेक्ट किया था। इसमें स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, राखी गुलजार, संजीव कुमार, पूनम ढिल्लो, शशि कपूर, प्रेम चोपड़ा थे। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ 40 लाख रुपये। इस मूवी ने कमाई की 5 करोड़ 80 लाख की। बॉक्स ऑफिस ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अमिताभ बच्चन जी की आठवीं ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1979 में सुहाग। इसको मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन, रेखा, परवीन भाभी, निरूपा राय, शशि कपूर, अमजद खान, कादर खान, रंजीत और जीवन धर थे। इस मूवी का बजट था 2 करोड़ रुपये। इस मूवी ने कमाई की 6 करोड़ 92 लाख की। बॉक्स ऑफिस ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अमिताभ बच्चन की नवी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1981 में नसीब। इसको मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना राय, हेमा मालिनी, किम, ऋषि कपूर, प्राण, अमजद खान, कादर खान, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा थे। इस मूवी का बजट था 4 करोड़। इस मूवी ने कमाई की 14 करोड़ 50 लाख की। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अमिताभ बच्चन की 10वीं मूवी ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1981 में लावारिस। इसको प्रकाश मेहरा जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन, जीना तमान, बिंदु, अमजद खान, ओम प्रकाश, रंजीत, सुरेश ओबराय और जीवन धर थे। इस मूवी का बजट था 2 करोड़ 75 लाख रुपये। इस मूवी ने कमाई की 9 करोड़ की। बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अमिताभ बच्चन जी की 11वीं ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1982 में नमक हलाल। इसको प्रकाश मेहरा जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन भाभी, वहीदा रहमान, शशि कपूर, ओम प्रकाश और रंजीत बेदी देखने को मिले। इस मूवी का बजट था 3 करोड़। इस मूवी ने कमाई की 12 करोड़ 50 लाख की। बॉक्स ऑफिस में यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अमिताभ बच्चन की 12वीं ब्लॉकबस्टर मूवी 1983 में आई थी कुली। इसको मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन, रति अग्निहोत्री, वहीदा रहमान, शोभा आनंद, ऋषि कपूर, कादर खान देखने को मिले। इस मूवी का बजट था 3 करोड़ 50 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 21 करोड़ 10 लाख की। बॉक्स ऑफिस ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अमिताभ बच्चन जी की 13वीं ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 1984 में मर्द। इसको भी मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन, निरूपा राय, अमृता सिंह, दारा सिंह और प्रेम चोपड़ा देखने को मिले। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की 8 करोड़ 10 लाख की। बॉक्स ऑफिस ये मूवी ब्लॉकबस्टर सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अमिताभ बच्चन की 14वीं ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 2000 में मोहब्बतें। इसको यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय,
किम शर्मा, शमित शेट्टी, जुगल हंसराज, उदय चोपड़ा और जिमी शेरगिल थे। इस मूवी का बजट था 13 करोड़। इस मूवी ने कमाई की 90 करोड़ की बॉक्स ऑफिस। ये मूवी व्यूवर्स ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अमिताभ बच्चन जी की 15वीं ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी 2001 में, जिसका नाम था कभी खुशी कभी गम। इसको करण जौहर जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, काजोल, करीना कपूर, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन देखने को मिले। इस मूवी का बजट था 40 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की 102 करोड़ की बॉक्स ऑफिस पर। इस मूवी को व्यूवर्स ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। तो व्यूअर्स, ये बॉलीवुड के टॉप 5 एक्टर थे जिन्होंने बॉलीवुड को सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं। अगर आपके अनुसार से कोई और एक्टर हो तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी से कौन सी ब्लॉकबस्टर मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉच।